शॉर्ट सर्विस कमीशन भी एक चीज थी, टेरिटोरियल आर्मी भी एक चीज है और अग्निवीर, ये तीन अलग अलग नाम है पर हमारे उसमें ये पहले से है। 2 साल की नौकरी फिर 5 साल की नौकरी ये क्यों होती है? जब भी नौकरी खुलती है कोई भी तो वहाँ पोस्ट अगर 10 हैं तो भरने वाले कितने व्यक्ति होते हैं, कई बार तो लाखों में तक देखे जाते हैं। नौकरी तभी मिलेगी किसी भी, चाहे आप चपरासी की भर्ती में जाओ या लेफ्टिनेंट की फोर्स की भर्ती में जाओ या कहीं पे भी जाओ, काबिलियत आपको ही प्रूफ करनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज मैं ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा था जिसको लेके काफ़ी राजनीति हुई और राजनीति अभी तक हो रही है। आपको अग्निवीर योजना के बारे में खूब अच्छे से पता होगा, जिस पे अभी पत्रकार बंदूक 2 दिन पहले हमारे ही रवीश कुमार जी ने एक वीडियो डाला। उन्होंने कहा कि एक किताब जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने लिखी है उसको कहीं ना कहीं उसको कौ कंट्रोवर्सी में आई है। उन्होंने कहा कि उसके कमियों को लेकर उन्होंने उस पर लिखा है जिसकी अनुमति शायद उनको नहीं मिली या अनुमति अब कोई देना नहीं चाह रहा है कि कहीं उसमें सरकार की कोई पोल ना खुल जाए। तो मैं शॉर्टकट में उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उन्होंने इसके सिर्फ नेगेटिव फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। नेगेटिव फैक्ट्स में उन्होंने दिखाया कि अग्निवीर योजना कितनी आपको कितनी बेकार योजना है और इससे आने वाले जो लड़के हैं उनका क्या भविष्य है। तो उन्होंने इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव पक्ष दिखाया कि 4 साल बाद इन बच्चों का क्या होगा, ये कहीं के रहेंगे कि नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे ही की एक तरह से उन्होंने चर्चा की है। तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी एक चीज़ थी, टेरिटोरियल आर्मी भी एक चीज़ है और अग्निवीर, ये तीन अलग अलग नाम है पर हमारे उसमें ये पहले से है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर बात करते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है क्या। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन, भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC एक प्रकार की सेवा है जहां एक अधिकारी को कुछ टाइम के लिए कमीशन दिया जाता है। आमतौर पर 10 से 14 साल के लिए ये होता है। ये कुछ टाइम के लिए देश की सेवा करने का एक मौका है, अपने नॉर्मल लाइफ में लौटने का भी मौका है कि जिनको ये 5 से 10 साल में या 14 साल के अंदर छोड़नी है, 5 के बाद आपके पास च्वाइस है, आप छोड़ना चाहते हो, अपने नॉर्मल अपने नागरिक जीवन में वापस आना चाहते हो, आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का है और इसका सिलेक्शन बिल्कुल रिग्रेस होता है, जिस प्रकार से बाकी आपके एग्जाम होते हैं CDS के, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको होता है। वहीं आपका रिटर्न होगा, आपका बकायदा रिटर्न क्लियर आपको करना पड़ेगा। रिटर्न क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का टोटल पीरियड 7 डेज का होता है जिसमें 7 दिनों के अंदर अंदर आपको वो पार करना होगा, तब आप मेडिकल के लिए जाते हो। तो एक तब जाके कहीं जाके आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, किसी की IMA स्टार्ट होती है, किसी की OTA स्टार्ट होती है। तो IMA और OTA का जो स्टार्ट है, IMA वाले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं है वो IMA में रहते हैं और जो बाकी शॉर्ट सर्विस वाले वो OTA चले जाते हैं। अब ये है 5 साल से 14 साल की नौकरी। अब उन्होंने कहा कि क्या 4 साल में क्या होगा इन लड़कों का, तो मैंने बताया जैसे कि ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, पर ये सिस्टम में किसके लिए था पहले, ये ऑफिसर्स के लिए था, जहां आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद ये करनी है, जब आप इसको सारी प्रक्रिया पार करके, एग्जाम पार करके, ट्रेनिंग पार करके, तब आपको लेफ्टिनेंट का कहीं पद मिलता है और सेना में सेवा का मौका मिलता है। सेना में सेवा के मौके के साथ साथ आपको चॉइस रहती है कि 5 साल बाद आप सेना छोड़ सकते हैं या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर फिर अपने फिटनेस प्रूफ देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से फिर मैं बात करूं एक और की, टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी में भी उम्र 18 से 42 साल तक की है, जिसमें कि कैसे भी कोई भी नागरिक जो कि पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो सेना में अपने योगदान दे सकता है। किस प्रकार से कम अवधि 2 साल की है, 2 साल के लिए आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर आपको एग्जाम देना होगा, SSB क्लियर करना होगा, मेडिकल देना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद 2 साल के लिए आपको सेना में भर्ती किया जा सकता है, जिसमें कि पूरे भत्ते आपको मिलते हैं जब तक आप सेना के अंदर रहते हैं और आप पूरी तरह से सेना के एक रूल रेगुलेशन के अंदर आप काम करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये 2 साल की नौकरी फिर 5 साल की नौकरी ये क्यों होती है। देखिए, आपने बाकी देशों के बारे में काफ़ी सुना होगा जहां पर मैंडेटरी है कि हर फैमिली से एक को सेना में आना जरूरी है, और भारतीय जनसंख्या के हिसाब से ये कुछ इस तरह की नौकरियां हैं जिनको बाय चॉइस चुनते हैं
जहां आप फौज अपने देश के लिए चुनते हैं कि आप कभी आपातकालीन स्थिति में अभी कभी आपको फौज में जाने का मौका मिले तो आपके पास क्या वो ट्रेनिंग है। अगर आप फौज को किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने देश को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपने वो ट्रेनिंग ली है। तो ऐसे लोगों को फर्स्ट चॉइस में रखा जाता है, बैकअप प्लान में रखा जाता है, तब जाके ये एक आर्मी को सपोर्टिंग सिस्टम बन पाते हैं। मैं और आसान भाषा में समझा देता हूं इसको। जब कभी युद्ध जैसी कभी परिस्थिति होती है देश में, तो सबसे पहले इन लोगों को याद किया जाता है ताकि फोर्स हमारी आगे लड़े और इंटरनल हमारा सिस्टम को संभालने वाले ये व्यक्ति रहे जो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो ये सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, ये सिस्टम था पहले अपर क्लास के लिए, कहाँ, जहाँ ऑफिसर्स तैयार किए जाते थे। अब आप दूसरी तरफ आइए, अग्निवीर योजना। पहले ये लोएस्ट उसके लिए नहीं था, सिपाही के लिए नहीं था, तो ये अग्निवीर योजना एक तरह से सिपाही के लिए है, जिसमें कि प्रॉपर एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको इसमें बाकायदा 4 साल की नौकरी, 11 लाख समथिंग आपको पे मिलती है, उसके साथ साथ उतने ही आपके कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार भी करती है, और आपको इसके साथ साथ सारे भत्ते जो एक फौजी को मिलने चाहिए वो 4 साल में सब होते हैं। आपके साथ कोई घटना घट जाए तो घटना के समय आपको एज अ फौजी ही ट्रीट किया जाएगा, जिसका प्रकार से एक फौजी के साथ होना चाहिए, वही फौजी वाले आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आपके साथ अगर कोई घटना हो जाए और घटना के समय आपकी कहीं मृत्यु हो जाए तो उसमें 1 करोड़ रुपए तक का धनराशि आपके परिवार को मिलती है, और कहीं आपकी कोई अपंग वाली स्थिति हो तो उसमें अलग 40 लाख रुपए कहीं इसमें अलग अलग स्टेज पे है। अब आप बोलेंगे ये तो हो गए 3 सर्विसेज की बात, इन 3 सर्विसेज के फायदे क्या हैं। फायदे तो मैंने पहले 2 के बताए, जिसमें आपको मैंने बताया कि आप किस प्रकार से बैकअप प्लान के लिए देश के लिए तैयार होते हैं, आप एक ट्रेंड ऑफिसर होते हैं, आप डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है, किस तरह से आपको खुद भी डिसिप्लिन रहना है, अपने देश के लिए कब कब आप तैयार रह सकते हैं। इसी प्रकार से जो 4 साल की अग्निवीर योजना है, इसमें आप आने पर आपको एक तो ग्रेजुएशन मिलती है, इसके बाद के आपके रास्ते खुलते हैं, जिस प्रकार से जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार लोग फौज छोड़ते हैं तो उनके पास प्राइवेट सिक्योरिटी के आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। कई बार ऐसे भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट, जहां पर वो रिटायर्ड फौजी या ट्रेंड फौजियों को लिया जाता है जो फिट होते हैं, तो वहां पर आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं, बैंक्स में खुलते हैं आपके। आपके अगर बात करूं तो बहुत सारी ऐसी हमारी गवर्नमेंट संस्थाएँ, आप नाम लेने को बहुत सारी संस्थाएँ हैं, तो जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रिटायर्ड फौजी ही लिए जाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के PSO भी रिटायर्ड फौजी ही रखे जाते हैं, तो ऑप्शंस आपके वहाँ बहुत सारे खुलते हैं। तो नेगेटिव बोलना बहुत आसान है कि इसमें कुछ नहीं होगा, 4 साल बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनका कुछ नहीं होगा, पर आप इसको और एक और तरीके से अगर आप जहन में डालें तो आप ये बताइए कि जब भी नौकरी खुलती है कोई भी, तो वहाँ पोस्ट अगर 10 हैं तो भरने वाले कितने व्यक्ति होते हैं, कई बार तो लाखों में तक देखे जाते हैं। मिलती नौकरी उसको है जो काबिल होता है। काबिल आदमी के लिए नौकरी की कभी कोई कमी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो वो 1000 लोगों में से 10 लोग काबिल होते हैं जो उस नौकरी को पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्निवीर योजना में भी अगर आपके 10 लोगों को भर्ती किया गया है, 4 साल बाद उनमें से 25% लोगों को मौका फिर से दिया जाएगा, जिसमें अपने आप को फिट प्रूफ करना होगा, सेना के डिसिप्लिन को प्रूफ करना होगा कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ किया है, और आप अगर उन सभी उनसे चयन से पास हो जाते हैं तो आपको नौकरी आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। तो नौकरी हो, एग्जाम हो, पास तो आपको ही करना है, तो सरकार ने तो इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस खोले हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं, मैं उन पत्रकार बंधु से बात कर सकता हूँ कि चार साल में ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या जब आपका चयन हुआ था तो आप क्या 100 में से 100 वाले थे कि 100 लोगों ने भर्ती के लिए भरा और 100 लोगों का सिलेक्शन हो गया? तो आप मिसगाइड ना करें, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मिसगाइड ना करें। हर किसी का पहलू होता है, नेगेटिव एक पॉजिटिव पहलू होता है। नेगेटिव यह है कि 4 साल की नौकरी है, पॉजिटिव यह है कि 4 साल बाद आप एक डिसिप्लिन होंगे, आप ग्रेजुएट होंगे, आपके लिए 10वें ऑप्शन खुले होंगे, ये इसके पहलू है। इसी प्रकार से जब हम और किसी विषयों पे बात करते हैं तो हम वहाँ पर राजनीति घुसा देते हैं। फौज के अंदर राजनीति ना ही हो तो बेहतर है। जिस प्रकार से मैंने देखा कि इसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का एजेंडा अपने सेट कर दिया। कांग्रेस हमेशा से इसका विरोध करती है कि अग्निवीर योजना बेकार है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें नौकरी दी थी तो उन्होंने बेकार कहना था एज अ अपोजिशन, और पत्रकार बंधु ने उसमें मोहर लगा दी कि ये वाकई में ही बेकार है।
तो फोर्सफुली तो कोई भर्ती होता नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। जब फोर्सफुली भर्ती नहीं होता है तो फोर्सफुली कोई निकाल भी नहीं सकता है, आपको अपनी काबिलियत प्रूफ करनी पड़ती है। और काबिलियत के साथ साथ आपको नौकरी तभी मिलेगी किसी भी, चाहे आप चपरासी की भर्ती में जाओ या लेफ्टिनेंट की फोर्स की भर्ती में जाओ या कहीं पे भी जाओ, काबिलियत आपको ही प्रूफ करनी पड़ती है। तो सभी लोग उसके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत करने का वो 25% का जो है, हर कोई उस 25% में आने के लिए कोशिश करेगा। तो भारत एट नाइन में मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप एक पहलू पे बात ना करें, पहलू कई प्रकार से हो सकते हैं। आपने एजेंडा सेट किया कि आपने कांग्रेस को सपोर्ट करना है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी योजनाएं सब गलत है, सारी की सारी गलत है, सरकार जो कर रही है सब गलत है, ये आपने दिखाने की कोशिश की। मगर आपने तीन पहलू, अगर आप हमसे वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप इसको ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुँचा सकते थे इसके पॉजिटिव, पर आपने नहीं पहुँचाया। आपने सिर्फ अपने व्यूज़ और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए लोगों के बीच में नेगेटिव भावना को रखा। तो भारत एट नाइन में आज इतना ही। आप इस योजना को ढंग से पढ़ें, इसके और भी आप और पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह की योजना है, पहले से क्या होता था, किस तरह के तंत्र थे, क्या अभी भी सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया जिस तरह से टेरिटोरियल आर्मी में आपने बड़े बड़े चेहरे आपने देखे होंगे, आपको एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वो चेहरों को दिखाते हैं, जैसे धोनी ने हमारे इसमें ज्वाइन करा, आपको तेंदुलकर ने ज्वाइन करा, आप सचिन देख सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, वो लोग हैं, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर की तरह होते हैं ताकि लोग इनको देख के प्रेरित हों और इस तरह की फोर्सेस को ज्वाइन करें। तो ये आपके ऑप्शंस आज भी खुले हैं, 18 से 42 साल की उम्र तक के लोगों के ऑप्शन खुले, कोई बिजनेस में है, कोई सर्विसेज में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, वो भी इसको लेकर जा सकता है अगर वो देश को सर्व करना चाहता है। तो ये ऑप्शंस हमेशा से थे, ये ऑप्शंस को नया नहीं है, सिर्फ इसका नाम बदला है और इस ऑप्शन को और नीचे लेवल पे लेके गए ताकि नीचे से कोई हाई स्कूल इंटर करने के बाद इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सके, ग्रेजुएशन तक का वेट ना करना, ग्रेजुएशन उसको आर्मी द्वारा करा दी जाएगी। तो ये ऑप्शंस थे। तो भारत ट्रेन में आज इतना ही, आप इसे समझें, देखें और कमेंट जरूर करें कि अगर मैं कुछ सही समझा पाया हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।